मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। दो बड़े मुद्दे लेके आया हूं मैं। महाराष्ट्र के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ को सहूलत थी, जिसको सब्सिडी कहते हैं, पावर सब्सिडी कहते हैं, पावर लूम को और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो सरकार देती थी, महाविकास अघाड़ी ने इसको 1 मार्च से ख़त्म कर दिया है, जिससे भिवंडी के अंदर बहुत आक्रोश है। 16,000 से ज़्यादा हमारे यूनिट्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं इससे। आज विधान भवन में हम सब चाहते थे कि इसके बारे में बहुत कुछ बोले। मैंने सन्मान्य मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर नाना पटोले सबसे इसके बारे में बात की कि ये मुद्दा जो है इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे महाराष्ट्र के सारे लोग सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आज जो हमारे पावरलूम इंडस्ट्री की हालत है, इस महीने की पगार देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं होगा और भिवंडी कर पैदल चढ़ के असेंबली का घेराव करेंगे। लेकिन OBC के मुद्दे पर आज हाउस अजन हो गया और इस पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन सभी नेताओं ने मुझे वादा किया है कि शाम में एक छोटी कमेटी को बिठाकर इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई के लिए हमको तैयार होना है। अगर हमारी सब्सिडी छीन ली जाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में बेरोजगारी होगी। दूसरा एक मुद्दा है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे थे जब से मैं आमदार बना हूँ, और उससे पहले मेरे पहले जनाब अबू आसिम आजमी साहब, कि भिवंडी शहर में जितने MSEDCL के PD केसेस है, जिसको परमानेंट डिसकनेक्शन कहते हैं, उसका इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, उसके अदर चार्जेस माफ़ किया जाए और सिर्फ उसकी जो कंजम्पशन है वही अमाउंट लेकर जो है इन कनेक्शन को वापस से बहाल किया जाए। सरकार ने ये मांग पूरी की है और एक स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, जिसके तहत जितने भी PD कनेक्शंस है उनका डिले चार्जेस, उनका इंटरेस्ट माफ़ करके प्रिंसिपल अमाउंट पे इंस्टॉलमेंट देके एक स्कीम चालू की गई है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप इसका फ़ायदा उठा के जो PD का प्रॉब्लम है हमारे शहर के अंदर वो ख़त्म करें, और एनर्जी को लेके और पावर लूम को लेके हमारी लड़ाई जो है विधान भवन में चलती रहेगी। इस सरकार से लड़ने के लिए मैं आवाम से जो है गुजारिश करूँगा कि वो भी सब लोग मिल के इस सरकार को प्रेशराइज करें। मंडे को हाउस है, लेकिन पहले ही हम हाउस में वेल में बैठ के इस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आप देख रहे हैं सत्य आज तक, हमेशा सच।